हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज है दूसरा नवरात्रा। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और तैयार हो रही हूँ। नेगी जी आवाज़ मार रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि उनको फिर ड्यूटी की लेट होती है। तो चलिए हम पहले पूजा कर लेते हैं, तब मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई है अच्छे से और टाइम से हो गया है सारा काम। तो अब ना मेरे बेटे के लिए तो मैंने सुबह ही नाश्ता बना लिया था और टिफ़िन भी बना लिया था, वो तो चला गया स्कूल। तो अब बनाऊँगी मैं चाय और फिर नेगी जी को ऑफिस के लिए भी थोड़ी सी चाय रखूँगी, फिर बाहर का नहीं पियेंगे इस टाइम। तो आप लोग कर लीजिए दर्शन माता रानी का। जय माता दी सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेगी जी जा रहे हैं ड्यूटी और मजाक करने हैं, उनकी आदत है मजाक करने की, कॉमेडी करते रहते हैं। तो बोल रहे हैं हम जा रहे हैं ड्यूटी, आपको बाय कर रहे हैं। ये देखिए बैठ के बाइक में, आज बाइक से जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चलो बाय, अब अपना दरवाज़ा बंद कर दो। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का सेकंड डे और हमने पूजा कर दी है। नेगी जी चले गए हैं ड्यूटी और मैंने ना चाय भी पी ली है और नेगी जी को ऑफिस की देर हो रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं स्टार्ट किया पहले, क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत काम होता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं व्लॉग को स्टार्ट करूंगी। तो हमने पूजा करी और जो कुछ भी होता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो मैंने क्लिप ली थी, देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से किस किस के नवरात्रि के पूरे व्रत हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और आज भी मैंने ये साड़ी डाली है, ये प्लेन रेड कलर की साड़ी है, साना सिल्क है इसका कपड़ा और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही लाइट वेट है। ये देखिए बहुत, मतलब इतनी वैसी है ना ये साड़ी, इसमें आप प्रेस नहीं भी करो तो भी चलेगा और एक रिंग के अंदर से भी निकल जाएगी ये साड़ी, इतनी सॉफ्ट और इतनी पतली है और पहनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल है। और ये भी मैंने आज से 2-3 साल पहले मीशो से ली थी, ये विदाउट ब्लाउज मिली है मुझे, ये ब्लाउज जो है रेडीमेड है। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी मिली। तो जब भी आपको सिल्क में साड़ी लेनी हो तो साना सिल्क में लेना, बहुत अच्छा सिल्क होता है, मतलब डेली वेज के लिए। अगर डेली में पहनने के लिए आपको साड़ी चाहिए तो साना सिल्क की साड़ी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आती है मुझे। इसमें और भी सारे कलर अवेलेबल थे वहाँ पे, ग्रीन, रेड, ब्लू, बहुत सारे, बट बहुत पहले मैंने ली है, अभी पता नहीं मीशो पे ये अवेलेबल है या नहीं है। बहुत ही अच्छी है, पूरी रेड साड़ी है और ये गोल्डन इसका बॉर्डर है। तो कैसे लग रही है साड़ी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और आप लोगों के नवरात्रि कैसे कैसे जा रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएगा। और देखते हैं, आज सेकंड नवरात्र है मेरा, नेगी जी का आज भी व्रत है, कब तक ले पाते हैं। पूरे 9 दिन के व्रत रख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि मैं कपड़े बाहर डालने जा रही हूँ और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो थोड़ा मशीन में सुखा लेती हूँ कपड़े। तो मैंने हाथ से धोए थे कपड़े, मैंने पहले ही धो लिए थे, तो मैं मशीन में सुखा के थोड़ा बाहर डाल देती हूँ। तो हमारे यहाँ आज मौसम थोड़ा बारिश का जैसा हो रखा है, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है कॉमेंट करके बताना। मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, बाहर इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा है ना, मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और यहाँ क्या बोलते हैं डाइनिंग एरिया है जो, वहाँ मैं बैठ गई और मतलब सब जगह के दरवाजे खिड़की बंद कर दी और यहाँ पे मैंने लाइट जला दी और यहाँ पे बैठ गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कोई नहीं है घर पे, मतलब नेगी जी ड्यूटी जा रखे हैं और मेरा बेटा जा रखा है स्कूल, और बाहर का मौसम इतना अंधेरा हो गया ना फ्रेंड्स, वो देखिए खिड़की से। अभी मैंने ना यहाँ पे लाइट बाल रखी है तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए बाहर ना बहुत अंधेरा हो गया। मोबाइल में तो उजाला दिख रहा है बट अंधेरा हो रखा बहुत, ऐसा लग रहा है कि 5 बजे की होगी, मतलब 5 बजे का टाइम नहीं होता जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा वैसे हो गया। और मुझे ना ऐसे में बहुत डर लगती है
और जब ना एक तो बादल गरज रहे हैं मुझे तब भी बहुत डर लगती है, इतना अंधेरा हो गया, खिड़की दरवाजे बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, भाई मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है, मैंने तो नेगी जी को फ़ोन किया, यहाँ तो बहुत गंदा मौसम हो गया, तो वो बोल रही यहाँ भी वैसे ही हो गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ना कैसे लग रहा है मौसम, अंधेरा हो गया बाहर, दिख रहा है आपको, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। अगर मैं लाइट बंद कर दूंगी ना तो देखना कैसे होता है यहाँ, ये देखिए मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ, इतना अंधेरा, मतलब इतना अंधेरा जितना रात में होता है ना वैसा अंधेरा हो गया है। तो मैं कपड़े ना मैंने धो के और वहीं बाथरूम में ऐसे ही छोड़ दिए हैं, अब मैं नीचे उड़ रही हूँ, बाहर तो नहीं डाल सकती, मौसम बहुत गंदा हो गया है। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश आ सकती है, बारिश आने मतलब कल या परसों ना मोबाइल में अलर्ट तो दे रखा था कि बहुत तेज़ आंधी तूफान होगी 24 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन इतना होगा मुझे नहीं पता था क्योंकि गर्मियों का टाइम आ गया और पता बादल भी गरज रहे हैं हल्के हल्के। तो मैं ना कपड़े कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और बिग बॉस स्टार्ट हो गया ना, मैंने कल नहीं देखा बिग बॉस, तो मैं सोच रही आज देख लूँ, अभी देख लूँ पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो बिग बॉस देख लूँगी, थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना तेज़ यहाँ तूफान आ रहा है, और बहुत गंदी तरीके से तूफान आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि पेड़ वेड़ सब टूट जाएंगे, इतना तेज़ तूफान आ रहा है। और क्या बोलते हैं, हल्का हल्का ना बूंदाबांदी भी होने लग गई है, देखिए आप लोग, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है यहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने ना पल्ला बना लिया है, बनाए हुए पल्ले में भी सही लगती है ये, बहुत हल्की फुल्की लाइट वेट साड़ी है। और बहुत तेज़ बारिश आने लग गई बाहर, इतनी तेज़, और अंधेरा भी बहुत तेज़ हो गया है, देखिए बहुत तेज़ अंधेरा और बारिश भी बहुत तेज़, देखिए ऐसा अंधेरा हो गया है और बारिश आ रही है बहुत तेज़। और अभी नेगी जी का फ़ोन आया था कि उधर भी बहुत तेज़ बारिश आ रही है, साथ में आंधी आ रही है, बारिश आ रही है और बिजली भी चमक रही है। 2 बज गई, 2 नहीं 2:30 बज गई, और रेसी तो आ गया स्कूल से और उसने खाना खा लिया, खाना खा के वो देख रहा है टीवी, और मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने के लिए क्योंकि सुबह से लाइट का इंतज़ार कर रही थी, मौसम ख़राब है कि लाइट आएगी तो कपड़े सुखाऊंगी मशीन में, लेकिन लाइट ही नहीं आ रही है तो अब इनको ऐसे ही सुखाती हूँ बाहर। ये देखिए कितनी बड़ी विंडो है, मौसम ठीक नहीं है आज, तो फाइनली मैं छत में ही डाल रही हूँ, अभी बारिश रुक रखी है, कभी कभी धूप आ रही है तो क्या पता सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स छत हो रखी है काली और मैं चप्पल ले जाना भूल गई थी, तो चप्पल लेके जा रही हूँ, और आप भी देखिए मेरे साथ छत में मौसम कैसा हो रखा है। और आज रेसी को लेने मैं गई थी, आज उसकी बहन देर में आई इसलिए मैं गई थी, तो चलिए मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ पहले।
और कपड़े तो मैंने जैसे तैसे फैला लिए हैं, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, धूप भी आ रखी है, कभी कभी बारिश भी आ रही है, मौसम ऐसा हो रखा है ना कि कुछ पता नहीं चल रहा कब क्या हो जाए। तो फैला लिए फाइनली कपड़े, और पता नहीं अब सूखते हैं या और ज़्यादा गीले होते हैं, भगवान ही जाने। तो मैं तो जा रही हूँ नीचे, कपड़े फैला दिए, थोड़ा सा आराम करती हूँ। तो फ्रेंड्स नीचे जाती हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ। दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग हो रही है सुबह से, बस ऐसे ही। और रेसी को स्कूल से लेने भी गई थी, तो मिलती हूँ मैं आपको शाम को, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे है ना शाम का टाइम, और मेरा बेटा जा रखा है ट्यूशन, और बाहर ना आंधी तूफान और बारिश आई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है अभी, मतलब बारिश बंद हो गई है और थोड़ा सा कूड़ा हो रखा है। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और पूजा करेंगे, और नेकी जी तो अभी आए नहीं, तो पूजा तो तभी करेंगे जब नेकी जी आएंगे। तब तक मैं ना डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँगी, उससे पहले मैं बाहर का झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैंने सीख वाले झाड़ू से लगा लिया है अच्छे से, झाड़ू गीला हो रखा है तो वैसे अच्छे से नहीं लग पाए, लेकिन पत्ता पत्ते तो उठा दिए मैंने। शाम को वैसे झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने कहा पत्ते उठा देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ कर ली मैंने खाना बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले इधर मैंने आटा गूंथ के रख लिया है, ये मैंने कद्दू काट के रख लिया है, दो टमाटर हरी मिर्च काट के रख लिए, साबूदाना मैंने भिगा के रख लिया है खीर के लिए, और ये दाल बनाऊंगी अभी थोड़ी सी। फ्रेंड्स ये सारी तैयारी हो गई, आटे को ढक लेती हूँ और अब मिलती हूँ मैं आपको सारा खाना बनाने के बाद। मेरे पराठे बनके रेडी हैं, और ये खीर बनके साबूदाना की रेडी है, इधर बन रखी दाल, ये देखिए कौन सी दाल है, और इधर है ये कद्दू की सब्जी। इसमें कद्दू की सब्जी, इसमें दाल, इसमें खीर, और इसमें पूड़ियाँ बनके रेडी है मेरी। हमने माता रानी को भोग लगा लिया है, ये देखिए सभी चीज़ों का सबको भोग लग गया है देखिए, और पूजा भी हो गई हमारी। तो चलिए अब मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, हम भी खाना खा लेते हैं। देखिए किचन मैंने क्लीन कर दिया है, और खाना हमने खा लिया है ये देखिए, और रात को ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं आजकल, ये देखिए सारे बर्तन बुर्तन सब धो दिए मैंने। तो फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया है, किचन मैंने क्लीन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है मतलब काम, और क्या बोलते हैं मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, और नेकी जी भी उधर ही है, मैं किचन क्लीन कर रही थी, तो सारा काम हो गया है। अब इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और आज था सेकंड नवरात्रा, तो सेकंड नवरात्रा हमारा ऐसा गया, कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।